हाईवे पर गाड़ी वाले गुंडे की दबंगई कैमरे में कैद हुई है, जिसने ट्रैफिक पुलिस के दरोगा को हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान जमकर गालियां दी। यह पूरी घटना कैमरे में भी कैद हो गई। महोबा ट्रैफिक पुलिस में तैनात दरोगा कृष्ण कुमार शर्मा एसपी महोबा के निर्देश पर चित्रकूट अमावस्या मेला से आ रहे वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सवार एक इंद्रमणि नामक दबंग आधम का, और जब वाहन चेकिंग के लिए रोका तो कार चालक दरोगा को गालियां देने लगा। पैसे के घमंड में चूर दबंग ने इतनी गंदी गालियां दी कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। दबंग दरोगा को धमकाकर वहां से भाग निकला, लेकिन सड़क पर सरेआम ट्रैफिक पुलिस के दरोगा के साथ हुए अपमान का वीडियो वायरल हो गया। आप खुद भी देख लीजिए कि बड़ी गाड़ी में बैठे जनाब खुद को कलेक्टर से भी बड़ा अधिकारी समझ रहे हैं। बीएमडब्ल्यू में बैठकर यह जनाब खुद को राजा समझ रहे हैं। इन्हें ना कानून का भय है और ना ही समाज का। पैसे की हनक ने इस व्यक्ति को गुंडा बना दिया। वीडियो वायरल हुआ तो आनन फानन में पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए आरोपी इंद्रमणि को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला ये है कि आज अमावस्या की वाहन बहुत चल रहे हैं, फोर व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, पैदल है, बस है, तो उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ से वहाँ तक गश्त का आदेश। तो जब हम यहाँ से गश्त करके हुए जा रहे थे तो किरारी फाटक के पास में खड़े हो पाए थे, बसें निकल रही थी, जा रही साइड से, तो एक कवरेज क्षेत्र से एक आदमी आया फोर व्हीलर से, और वो वहीं साइड में खड़े होके कहने लगा कि क्या कर रहे हो, कवरेज का तो ऐसा कर दिया है, और आप क्यों, मतलब भद्दी गालियाँ दी। तो हम लोगों ने जो समझा, हमने क्या कह रहा तो हमने पूछने की कोशिश करी, तो वो लेके गाड़ी भाग आया, आके आला चौक पे हमने पकड़ लिया उसे। आला चौक पकड़ के हमने जब पूछा, भाई गाली किस बात पे दे रहे थे, तो भाई गाड़ी नहीं रुकी थी, कोई गाड़ी वहाँ नहीं थी, मौजूद नहीं थी कोई गाड़ी, बस खड़े हो पाए थे, यहाँ से वहाँ तक व्यवस्था देख रहे, तुम गाली किस बात पे दे रहे थे। तो वो बोला कि मैंने नहीं दी, तुम्हारे लिए नहीं दी, इस तरह की बात की उसने, तो हमने उन्हें ले जाके कोतवाली में बैठा। इस मामले को लेकर एसपी स्वामीनाथ ने बताया कि महोबा में किटारी रेलवे फाटक के समीप ट्रैफिक पुलिस को अमावस्या मेले से लौट रहे वाहनों के चेकिंग के लिए भेजा गया था। साथ ही निर्देश दिए थे कि आने जाने वाले वाहन स्वामियों को यातायात व्यवस्था में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां एक बड़ी गाड़ी में सवार इंद्रमणि नामक युवक गाड़ी में बैठे हुए ही ट्रैफिक एसआई को गाली गलौज करने लगा और कुछ ही देर में मौके से भाग निकला था, मगर पुलिस टीम के द्वारा उसे एचडीएफसी बैंक के समीप से दबोच लिया गया है। ज्ञात हुआ है कि हमारी ट्रैफिक पुलिस किड़ारी फाटक पर चेकिंग कर रही थी, तो वहाँ से कोई गाड़ी वाला वहाँ से गुजरा है और उसको देख करके, पुलिस वालों को देख करके गाली दिया कि यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, उधर कब्रई बंद है, इस तरह का कुछ उसके दिमाग में था। तो फिर उसको जो है पकड़ के लाया गया और कार्रवाई की जा रही है। सर, उसने एक और आरोप लगाया कि पुलिस ने हमें गिरफ्तारी के दौरान हमारी जंजीर और सोने के आभूषण लूट लिए थे, ऐसी कोई सत्ता है इस तरह की? अब इस तरह की बातें तो अक्सर जो पकड़े जाते हैं वो कहते रहते हैं, और जिसको भी हम पकड़ेंगे वो कोई हमें बहुत आशीर्वाद तो देगा नहीं, वो गालियां ही देता और आरोप ही लगाता है। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।